सबको नमस्कार मैं आपका पंडित प्रभाकर चकोर शर्मा दीपावली हमारे भारत खंड में अत्यंत बड़ा त्योहार है भारत देश में हर स्टेट में हर जगह ये दिवाली मनाया जाता है दिवाली सबसे बड़ा त्योहार होने के कारण इस दिवाली के समय पांच दिन पांचों दिन पांच अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं दिवाली का शुरुआत होता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी उसे बोलते हैं धनत्रयोदशी पुराणों के अनुसार लक्ष्मी देवी का उत्पन्न जो है समुद्र से विशेष रूप से जहां पे देवता और दानव अमृत भांड के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो उस समय समुन्दर से लक्ष्मी जी का लक्ष्मी जी का उत्पन्न हुआ है इसलिए धनत्रयोदशी के दिन से लक्ष्मी पूजा से दिन की पूजा विशेष रूप से ये पांचों दिन किया जाता है जो भी व्यक्ति धन त्रयोदशी नरक चतुर्दशी और दिवाली ये तीनों दिन प्रदोष काल के समय शाम को छह से लेके आठ के, के बीच में जो भी व्यक्ति लक्ष्मी का पूजा करता है अपने घर दुकान हर जगह उसको जब साफ सुथरा रख के वहां पे दिया जला के और जो भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनको कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और दिवाली का दूसरा त्योहार है नरक चतुर्दशी हमारे पुराणों के अनुसार प्राग पुरम जो नॉर्थ ईस्ट में आता है उसमें नरकासुर करके एक राक्षस रहता था वो देवताओं को और विशेष रूप से ऋषि मुनि को बहुत परेशान करता था और इस नरकासुर की वधा जो है सच्चबामा और श्री कृष्ण ने मिलकर किया है उस दिन से दिवाली मनाया गया है और ये नरकासुर का वधा जो है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन होने के कारण ये नरक चतुर्दशी अत्यंत पवित्र बताया गया है नरक चतुर्दशी के दिन जो भी व्यक्ति विशेष रूप से तिल का तेल लगा के और सिर से ऊपर से पानी वगैरह डाल के नहाना क्योंकि रवि तुला राशि के रहते समय जो भी ये तैलाभ्यंगन स्नान करता है तो उसको उसके अंदर जो भी अनारोग की समस्या उसके अंदर जो भी अलक्ष्मी होती है वो सब चली जाती है और नरक चतुर्दशी के दिन नए कपड़े पहनना उस दिन पितृ देवताओं के लिए तर्पण जैसे चीजें छोड़ना विशेष रूप से शाम को प्रदोष काल में लक्ष्मी की पूजा करना विशेष है फिर नरक चतुर्दशी के बाद अगला दिन जो है जो अमासी दिन है उसी दिन दिवाली मनाया जाता है दिवाली के दिन जो भी व्यक्ति शाम को प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की पूजा किया जाता है उनको धन प्राप्त होती है उनके सारे दिन जिंदगी में जो भी दुख है कष्ट दूर हो जाते हैं दिवाली का पुराणों के अनुसार दिवाली के दिन ही श्री राम जो है रावण को विजयदशमी में उनके ऊपर युद्ध में जीत पाके रावण की मृत्यु होने के बाद जब वो अयोध्या पहुंचे उसी दिन दिवाली का दिन था और महाभारत में कौरव जो है अपने अज्ञातवास वगैरह अरण्यवास पूरा करके जिस दिन वो वापस इंद्रप्रस्थ लौटे उनके राज्य में जब वापस लौटे थे उस दिन दिवाली बनाया गया था वही दिवाली था तो इन पुराणों के अनुसार दिवाली अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार बताया गया है दिवाली के अगले दिन जो है उसको विशेष रूप से में बली का नाम इस दिन स्मरण किया जाता है विष्णु और बलि की पूजा कर किया जाता है और दिवाली के अगले दिन में के बाद उसके अगला दिन जो है यमद्वितीय उसी दिन बहन के साथ भाई जो है उनका दोनों वहां पे मिलना और बहन के हाथों का खाना खाना है उसको भगिनी हस्त भोजन करके बोला जाता है और उसी दिन जो है यम, यम का धर्मराज यम की पूजा की जाती है और यमुना नदी में नहाया जाता है इसलिए ये पांचों दिन अत्यंत पवित्र बताया गया है बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए मैं आपका पंडित प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा